बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा पहाड़ों की रानी मसूरी में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। दशहरे के उपलक्ष्य में सनातन धर्म मंदिर समिति ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा मलिंगार से घंटा घर माल रोड होते हुए गांधी चौक तक पहुंची, जहां पर सैकड़ों की संख्या में मौजूद लोगों के समक्ष बुराई पर अच्छाई की जीत पर लोगों ने जय श्री राम का गुणगान किया और गांधी चौक पर भगवान श्री राम ने अपने धनुष से तीर चलाकर रावण का दहन किया, जिसे देखने आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। सनातन धर्म मंदिर समिति के अध्यक्ष राकेश अग्रवाल ने सभी को दशहरे की शुभकामनाएं दी और कहा कि 2 वर्षों के बाद इस बार दशहरे को लेकर झांकियां बड़े ही धूमधाम के साथ निकाली जा रही हैं, जिसमें मुख्य आकर्षण का केंद्र हनुमान रहे, जो कि 60 वर्षों से हनुमान जी का रोल कर रहे हैं और जिनकी उम्र 80 साल से ऊपर है और आज भी उनमें वही ऊर्जा दिखाई दे रही है जो 50 साल पहले होती थी। मसूरी से नरेश नौटियाल की रिपोर्ट। आज का जो पर्व है वो हमारा एक ऐसा पर्व है जिसमें आप बुराइयों को खत्म करके अच्छाइयों की तरफ आगे बढ़े, और जो ये आज यहाँ मसूरी में विजयदशमी का जो मनाया जा रहा है कोरोना काल के बाद, ये हमारा सौभाग्य है कि इतना मसूरी जो लंढोर समिति है, जो मंदिर सनातन धर्म की, जो इसको श्री राम जी का जो जुलूस यहाँ निकलता है उसका हमेशा आयोजन करते हैं, मगर क्योंकि कोरोना काल था इसलिए बीच में नहीं निकाल पाए। लंढोर से ये झांकी दशहरे की जाती है, लाइब्रेरी जो मंदिर तक जाती है वहां रावण दहन होता है। आज पूरा भव्य उसके साथ जलसे के साथ जो है आज जो हम मंदिर सनातन धर्म सभा ये इसमें भागीदारी कर रहे हैं, और आज जो है प्रत्येक वर्ष की भांति जो एक हमारी परंपरा और एक हमारी संस्कृति इस मसूरी की रही है कि पूरे पहाड़ से लोग जो है, चाहे प्लेन से हो, पहाड़ जो सबसे नजदीक नियरेस्ट डियरेस्ट जो लोग हैं, ये पूरी 50 साल से 60 साल से जैसे परंपरा के साथ आते थे, आज भी जो इसका 3 साल से इंतजार कर रहे थे और आज उस इंतजार की घड़ी समाप्त हुई है। और आज 2 वर्षों के अंतराल के बाद एक बार फिर विजयदशमी की राम जी की बारात पूर्ण धूमधाम से निकाली जा रही है। भव्य झांकी है, बैंड है और शहर वालों का प्यार है। मुख्य आकर्षण हमारे हनुमान जी हैं। हनुमान जी का रोल निभाने वाले ठाकुर चंद्रमान जी जो लगभग 80 वर्ष के हो चुके हैं और लगभग मेरी तो खुद उम्र उतनी नहीं है, जितने वर्षों से हमारे बुजुर्गों का कहना है कि वो करीब 60-65 वर्षों से हनुमान जी का रोल निभाते आ रहे हैं।